सत श्री अकाल जी, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गढ़ली वाला दे यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। इस वीडियो दे विच तुसीं देखोगे सेंट सोल्जर स्कूल विखे नुक्कड़ नाटक करवाया गया, जिहदे विच रेड आर्ट्स पंजाब दे जिहड़े आ आर्टिस्ट जिहड़े पटियाला यूनीवर्सिटी दे जिहड़े स्टूडेंट भी रहे आ उहनां दी पूरी टीम आ, जिहड़ी फिल्मां दे विच वी उहनां दे कुछ जिहड़े टीम मैंबर्स काम करदे आ, तो उस स्कूल विखे आए थे। तो इन्होंने स्कूल विखे आके नुक्कड़ नाटक पेश किया वेंगी, तो जिहदे विच उन्होंने टॉपिक मेन सीगा कि माँ पे का सत्कार करो, अध्यापक का सत्कार करो। बड़ी ही इंट्रस्टिंग जिहड़ी वीडियो आ, दिलचस्प ये जिहड़ा सारा नाटक आ, जरूर तुसीं जुड़ना क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने नहीं देखिया, स्टूडेंट्स ने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि बहुत हासरस भी आ, बहुत अच्छा मैसेज भी आ। तो सारे ने इस वीडियो देखना भी, शेयर भी करना, इस वीडियो देख के अपने कीमती सुझाव जरूर देने। इस करके साडे सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गढ़ली वाला दे यूट्यूब चैनल आ सारे जने बने रहे, धन्यवाद। नुक्कड़ नाटक दे विच असीं जिवें ही तुहाडे सामने आए हाँ इदां ही वक्रे वक्रे करैक्टर करके दिखावांगे, पर साडी आवाज़ की वेरिएशन तो साडे जेस्चर पोस्चर तो तुहानूं पता लग जाएगा कि कहड़ा करैक्टर आ। एक टाइम से असीं बापू का करैक्टर भी प्ले कर सकते हैं। अज रिस्पैक्ट कितने ना कितने घट रही है, डाउन होंगी जा रही है, की कारण दे डाउन होने असीं तुहानूं नाटक से दसांगे, ठीक है। नाटक का मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि टीचर्स से रिस्पैक्ट को लैके है ना, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, पर तुसीं एडे गंभीर जे मूँह लैके हुण मेरे नाम वेखो सारे जणे, क्योंकि तुहाडे लई खुशखबरी है भी इहदा मुद्दा भावें गंभीर है पर इहनूं प्रेजेंट करन दा तरीका, पेश करन दा तरीका असीं कॉमिक रख्या, कॉमेडी रख्या। सो जिथे आऊगा हासा उत्थे खुल के असीं भावें लिट लिट के हसे, पर जिथे गल लगे समझण वाली उत्थे क्लैपिंग करके ताड़ी मार के अपनी समझदारी का सबूत दे दिओ भी तुहाडे तक साडी कई गल जिहड़ी आ उह पहुँच रही है, ठीक है। करी शुरू नाटक, एक्टिंग लाइक्स ए गिव एंड टेक, जिन्ने वधिया तरीके नाल तुसीं रिएक्ट करोगे ना उन्ने वधिया तरीके नाल असीं एक्ट करांगे। सो इन्नी क रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे भी एनर्जी बनाई रखियो, सोना जाए वैसे साडा नाटक तुहानूं सोण नहीं दिंदा, और हस खुल के लियो, कंजूसी वाला हासा सानूं नहीं चाहिए, कंजूसी वाला मेरा भाव कईआं दी आदत होंदी ना भी सामने जिड्डा मर्जी कॉमेडी एक्ट चल रहा हो अंदर पूरा हासा भरिया हुंदा, बाहर इन्ना की निकल दिंदा है ना, वह भी मूँह से हाथ रख लें देंगे। सो हसना खोल के, ठीक है, एनर्जी है नहीं बिल्कुल, करिए शुरू, क्लैपिंग कर दो फिर एक। और शरारता ना करो चलते नाटक च, ना ही होर्डिंग वगैरह करो, शरारत इदा दी आपां करदे हुंदे ना भी सामने जे कोई कुछ कर रहा हो, बोल रहा हो तो आप देख रहे होंगे, नाल वाले नूं इवें कूणी जी मारी जाणी वेखी की करदे। सो बोल देता नहीं, जिथे गल पुछिए उथे जवाब जरूर दे दिओ, ठीक है। सो दीप भाई दी कलम तो लिखा पंजाबी नुक्कड़ नाटक वेंगी, ताड़ियां। अपने मां प्यो उत्ते बोझ ही आ, तीर्थ यात्रा ते की लैके जाना, उन्होंने कभी अपने पिंड का गुरुद्वारा साहब नहीं दिखाया हुंदा। खैर मेरा पूरा नाम ही डॉक्टर सरवण, हुण डॉक्टर बंदे ठीक करने वाला नहीं, ना ही डॉक्टर जाड़ा कटने वाला, होर ना कोई एक अद्धा जना जो भाई जी मेरी दाड़ दुखदी आ, ना ही डॉक्टर दंगे ठीक करने वाला। थोनू मैं दस दिया कि ना डॉक्टर मैं बंदे ठीक करने वाला, ना दंगे ठीक करने वाला, बल्कि मैं वो डॉक्टर हाँ जिन्हें पी एच डी की आ, जब पी एच डी की होंगी आ वो ना भी डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, मेरी पी एच डी वाली गल सुनने तो बाद सारे ने क्लैपिंग की, मैं बहुत वधिया लगा, पर मेरी अगली गल सुनने तो बाद हासा भी आऊगा। मैं पी एच डी की आ, पर पी एच डी करने के बाद भी काम धंधा कोई नहीं, जे को पुछे की करता बस वेले भीरे, दिने की करता बस वेले भीर जी, दोपहरे की करता बस वेले, पर यह मतलब यह नहीं कि मैं काम करना नहीं चाहता, काम मेरी योग्यता के मुताबिक होना चाहिए, तो तनखा भी
सो काम धंधा मैनू कितें मिलिया नहीं। मैं सोचा अपना काम धंधा आप ही शुरू कर लेंगे उसके सिलसिले के अच्छ मैं इतने आया जिथे काम चल पाया काम में होर अगे तुरंगे हूँ तुम सारे जने सोच रहे हो गए भी मैं इतने काम की शुरू कर लगा सोच रहे हो ना सुते हो ना सुते हो फिर सोच रहे हो ना दस दें काम भी दस दें पर मैं थोनू सारे अपनी जिंदगी की एक कहानी सुना जा रहा है हो सकता है मेरी जिंदगी की एक कहानी थोड़े सारे की जिंदगी जाके कितने कितने काम आ जाए सो सुनोगे मेरी कहानी हूँ मैं थोनू दसदा कि मैं इतने काम की शुरू कर लगा है मैं इतने लाने लगे हैं रेहड़ी रेहड़ी गोल गप्पे नहीं लाने लगे गोल गप्पे का ना सुन के अद्धे मूंह पानी आ गया आए हाए खट्टे मिठे गोल गप्पे थोनू दसद कि ना रेहड़ी मैं कोई खाने वाली चीज़ की ना पीने वाली चीज़ की ना पाने वाली चीज़ की लाने लगे है बल्कि रेहड़ी लाने लगे अपन डिग्रिया की अपने सर्टिफिकेट्स की हैरान हो गए डिग्रिया को कमें वेख सकता अपने जो सर्टिफिकेट्स इन्नी मेहनत करने तो बाद इन पढ़ाइया करने तो बाद आप हासिल करते किमें कोई वेख सकता पर यकीन जाने इन्होंने डिग्रिया की मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रहेगी 25 साल मेहनत की पी एच डी की भी कितने कितने जाकर कोई नौकरी मिलेगी नौकरी कितने नहीं मिली हार के मैं सोचा डिग्रिया वेच ही देनी यकीन जाने एक दिन मेरी बेबे मेरे सारे डिग्रिया सर्टिफिकेट कट्ठे करके चूल्हे च दे जाए मैं जाके रोक लिया बेबे मैं क्या बेबे जी मेरी डिग्रिया ने चूल्हे में ना दो बेबे बैठी उठे आराम ने चूल्हे च फूका मारी जाए खैर मां के अंदरले दर्द नूं मैं जान गया सी कि असल दे विच मेरी मां मैनूं कहना की चाहुंदी आ और मेरा बापू इदों भी ज्यादा खतरनाक बंदा है होया कि एक दिन मेरे बापू ने खोलिया ट्रंक कंजा विचों मेरा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट ते कन्न च फेरी आवे हाय 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 ओए होए 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 सरकार बदम कंजा बापू जी गल भी नहीं देने छोलवा भी टप्पिया बापू एवं बदनाम हो गया थाल में बापू जवान हो गया बापू जी धानी बच्चे होंगी अखरक बापू जी जिदे कन्न साफ कर रहे हो थोनू पता की चीज है जब पता होता फिर कन्न के साफ कर जवान की तू और ना कभी स्कूल गया ना कभी उन्हें कापी खोल के वेखी आ 8वीं तो पास कर गया कानून बनिया जेड़ा कहिंदा सीगा भाई 8वीं तक बच्चा कोई फेल ही नहीं करना तू कोई ना औखी नहीं मरू जापड़ा मेरी सुनो गल ध्यान ध्यान कठिया
जी जेड़ा वो अठवीं तक फेल ना करने वाला कानून सी ना वो कानून हुण खत्म हो गया हुण अठवीं फिर तो बोर्ड दी हो गई है हुण वही पास हो गया जेड़ा पढ़ के पेपर दऊंगा अठवीं बोर्ड दी हो गई है बोर्ड दी हो गई है हां जी मैनू को लगे भावे पेपर दी हो रहे हां बापू जी वो वाले बोर्ड दी नहीं बोर्ड दी अच्छा मैं किना पेपर देने तू मैनू आ दे फाकिस पेट दिया बापू जी रब दा वास्ता है हां फाकिस पेट नहीं हुंदा सर्टिफिकेट कोई गल नहीं तू अठवीं का ना दे मैं अंदर जाके दसवीं का कढ़ लूंगा ये हालत है मेरे बापू की हुण मैं अपने बापू के लोगों को कैसे समझावां भी ये तो साड़ी नौजवान पीढ़ी को अनपढ़ रखी दी साजिशां ने जिहड़े इदां दे कानून बनाए जांदे आ कि अठवीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना खैर थोड़ा तो प्राइवेट स्कूल आ पर इस कानून का गौरमेंट स्कूलों के बच्चों उत्ते इन्ना ज़्यादा प्रभाव पिया बच्चे जमा ही टेंशन नहीं सी लैंदे भी स्कूल च जाओ भावें ना जाओ किहड़ा फेल करना है अठवीं तक तो पास हो ही जाना है उदू बाद आ गया करोना दो साल करोना ने बेड़ा कर दिता हूँ कई बच्चों ग्यारहवीं बारहवीं के आके अपना नाम तक नहीं लिखना आता फिर कितों पहुँच जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक साढ़े वेलों के अठवीं इन्नी सौखी नहीं होंगी साढ़े वेलों के अठवीं होंगी सी बोर्ड की सारी सारी रात पढ़ते फिर जागते दिन पेपर देंगे साढ़े वेलों में एक टीचर का रुतबा मास्टर जी का रुतबा बहुत महान हों जे कित स्कूल काम ना करके जाना मास्टर जी ने ढालना सुख दे बकरे मैं याद एक बार मैं स्कूल काम ना करके गया होमवर्क उत्तों लगा साड़ी क्लास के मधुमक्खियों के छत्ता पुछो क्यों साड़ी क्लास के लगा सी मधुमक्खियों के छत्ता पुछो क्यों ये तुम मधुमक्खियों पता हो साड़ी क्लास च लगा मधुमक्खियों ने छत्ता मैं चक्या चढ़ा मारता स्कूल च मक्खियां मक्खियां फिर उन्हें बच्चे नहीं जिन्या मक्खियां हुई मैं ला लिया साहब अज पक्का स्कूल के हाफ देगा चारे पासे मक्खियां मक्खियां हुई पुराने वेलों के असं कहते होंगे अद्धी छुट्टी सारी घोड़े की सवारी मैं अपनी क्लास के शरारत करी जावा मक्खियों खेती जावा मगरों आ गए मेरे मास्टर जी मेरे टीचर मैनू पता नहीं लगा मैनू लगा मेरा दोस्त खड़ा पिछे भोला मैं उधर मक्खियों को चैलेंज दे खड़ा पिया चला ले जातियां सारियां जातियां प्यो ना छत्ता ला के बैठिया सी ओ ओ ओ लड़के दिखा जातियां आ चला ले Thank you.
ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੱਤ ਜਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ
ते प्यार दा नतीजा या जिहड़ा अज पीएचडी तक पहुंच गए पर अजकल ऐ नहीं रह गया। अजकल मन लो जे कोई अध्यापक किसी बच्चे नूं माड़ा जिहा डांट भी दवे ना नाल दी नाल ही अजकल दे बच्चे कह दिंदे आ आई बार मारिया किवें मारिया किवें बंदे किथे कर लो बंदे ए मैथ उत्ते घेर ना पा मास्टर ए मैथ वाले मास्टर दा ए प्लस बी करके टू कर देंगे। पर एक गल दसा बेटा बेशक थोनू एक गल हसन वास्ते सही लग रही होवे पर एक गल मेरी हमेशा याद रखियो जेड़ा बच्चा अपनी इस उम्र दे विच अपने अध्यापकां दी इज्जत नहीं ना करदा जिंदगी च उहनू कदी इज्जत नहीं मिलदी कदे इज्जत नहीं मिलदी। थोड़े दिन पहला की गल है साढ़े गवांढियों के बच्चे कहते वो मास्टर ने माड़ा डांट दिता पुराने वेलों के बापू नहीं आते होंगे स्कूलों के पर अजकल अजकल स्कूल बापू तो आंदा ही आ ना बेबे भी आ जाती है लंबा लैके भी तुम सा बच्चे क्यों कुटिया। हैलो 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 बोले फोन तो चुके नहीं हैलो की थोड़े चिंटू ने मास्टर ने कुटिया एक मिनट मैं ना अपनी घरवाली नूं भेजदा उहनूं वावा लड़ना लुड़ना आउंदा हाँ ठीक है घरवाली हैलो 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 अपने चिंटू नूं मास्टर ने कुट्टे ही हाय मास्टर वड़ देना एडी तुल देन दी भैन जा जाके गल कर क्या नहीं आ तू नहीं आना यार मैं काम ते मैं नहीं होना मैं नहीं कली नहीं जाना जुड़ा मैं नहीं होना मैं तेनू कहता ना तू आ जा तू तन तन मोड़ ते खोती हां नहीं नहीं मैं नहीं होना आ तू इथे नहीं होना तू नहीं होना नहीं 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 तू मार जा इथे कितने सिर दे आओ तेरे सारे काम ना मैं कहनी सुनया कलिया तू आ इथे यार मेरे का भी करना मैं दस मैं नहीं होना तू आ इथे नहीं होना नहीं होना नहीं 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 फिर मैं आ लगी लैन तू आ जा आ मैं जमीन ले के आऊंगी इनू आओ मेरा कल्ला थोड़ी जवा गया इधर भी कोई लगदा कि आ चली गई मेरी गल सुन ना मैं तेरे ना कहां जाना जे उथे जाके मेनू बोलन देना तू हां तू बोली मैं कितने बोलदी हां हां ते नहीं पर मैं किधर बोलदी पर बोलदी नहीं एक मिनट रुक जा सिर पड़ना कितने सौखा होंगे हाँ जी सौखा ही मिलना मतलब सिर पड़ गल कर देनी दी करो गल कर लगे गल यार नहीं मैं तो आहो तू पछताई जानी मैं तो बड़िया लुटियां पा
देखो मास्टर जी जे साडा बच्चा नहर नूर च छाल मार दिंदा फेर मन के तुडे हौसले नू एदां दी घर वाली रखना भी हौसले दी गल होंदी देखो भैन जी हाय भैन जी शांति देवी मेनू तो लगता नाम किसी ने गलत रख दिता है क्यों क्योंकि जो जहां सुभा शांति देवी नहीं रौला देवी होना चाहिए देखो मैडम स्कूल एक अध्यापक ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਟੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਈਐਚ ਹਾਂ ਆਈਐਚ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ मैडम फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन आईलेट नहीं होता आईएलटीएस होता है जो भी डाल सुन सर मैंने एक गल दसो जे थोड़ा बच्चा पढ़ूगा ही नहीं तो बाहर किवें चल जाएगा जहाज ते जहाज कि पर फिर भी जे तुसी कहंदे हो ना कि मेरे बच्चे नूं कुछ भी नहीं कहना हां आ थोड़े हाथ अज तो बाद मैं थोड़े बच्चे नूं कुछ नहीं कहंदा लै जाओ इत्थों डर गया ही रोटियां बनानी झाड़ू पोचा करने भांडे मांजने होंगे कपड़े धोने होंगे इन्होंने मतलब इन्होंने की यार मैंने पता तू काम करा नहीं बाहर तेना जलील कर सारी कर तो पता हालत अजकल दे कुछ पेरेंट्स दी ए हालत अजकल दे मां प्यो दी स्कूलों के आए दिया तुम साढ़े बच्चे कुछ भी नहीं कहना तुम साढ़े बच्चे डांटना नहीं है बाद कह देंगे साडा बच्चा पढ़ता नहीं है पढ़ूगा कितों जो स्कूलों के जाके अध्यापक के हाथ ही बन दें भी तुम उन्होंने कुछ भी नहीं कहना कोई वेड़ा होंगे सगा जो अध्यापक के सन्मान वजो उन्होंने मोटे उत्ते खेस पाए जाते अजक केस पाए जाते हैं हूँ जड़े चिंटू के माँ प्यो ने कदे उन्होंने मास्टर की कुड़ तो बचाया से ना अच उ चिंटू नशे पत्ते करके घर अपने माँ प्यो कुट रहा बहुता लाड़ प्यार भी बच्चे बिगाड़ के धर दिता खैर साढ़े वेलों के दसवीं भी इन्नी सौखी नहीं होंगी साढ़े वेलों के दसवीं क्लास पास करना मतलब यह होंगे सगा जिमें कोई जंग जित के आनी है मैंने याद एक बार दसवीं क्लास के मैं स्कूलों घर भज गया घर जाके मैं अपने बापू जी ने कहा मैं क्या बापू जी मेरे ना पढ़ाई के मन नहीं लगता मैनू नहीं लगता मैं पढ़ पाऊँगा मैं तुम थोड़े न खेतों जाया करूँगा मैं भी ट्रैक्टर की सीट पर बैठना तो बापू जी कहते ना ये गल नहीं कहनी है कितों और जे तू ट्रैक्टर की सीट पर बह गया ना तो पोते याद रखी उधर अफसर वाली सीट पर कोई होर आके बह जू पढ़ना है तू खेती नहीं करनी और की बचता खेती के दो ही तो किले आ माँ तेरी बीमार रही है इलाज करवाना भैन तेरी का ब्याह करना अपरों इन्ना करजा अपने उत्ते तू पढ़ लिख के वधिया अफसर बनना शेरा अफसर ताकि मैं भी पिंड सिर उच्चा करके
ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭੋਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੋਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਾਈਏ ਅਚਾਨਕ ਭੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਦੂ ਜਣਾ ਭੋਲਾ 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 ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲੋ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਰਾ ਲੋ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪੜੋ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨਕਲ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਾਪ ਘਰ ਲੈ ਵੇਲਾ ਜਿੱਪੇ ਓਏ 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 ਕਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਤਮੀ ਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਓ ਸੌਰੀ ਮਾਈ ਐਲੋਪੋਜੀ ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਰੇ ਤਬਾਕ ਕੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅਰੇ ਪਤਲੂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੇਪਰ ਕਰਾਓ ਚਪੇੜਾ ਖਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ
ਠੀਕ ਹੈ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੋਲ ਜੇ ਪੀਂ ਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਅਈ ਜੀ 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 ਤੇਨਾ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਯਾ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵਢਾ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਟੁੰਡਿਆ ਥਾਣਾ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੌ ਚੋਂ ਸੌ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੀ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀਰੇ 30 ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਣੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੇ ਦਸ ਦਦੂ ਜਣਾ ਭੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਗਿਆ 12 ਕਰਕੇ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਹੋਊਂਗਾ ਬੋਲੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪੀਐਚਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆ ਭੋਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਵਹਿੰਗੀ
नाटक चंगा लगे जो माड़ा लगे एक अलग विषय नाटक समझ जिन्हों जिन्हों लगे एक बार दोबारा ताड़ी मार के थैंक यू सो मच तुसी इन्हें प्यार दे नाल साडा नाटक देखिया। दो मिनट की गल होर करूँगा, असी ना पिछले काफ़ी लंबे टाइम तो नाटक कर रहे हैं, पहला ड्रग्स की समस्या को लैके नाटक कर देंगे सी, हुण ये कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां असी तुहानूं नाटक च दिखाइया ना, इहना सोचो भी ये स्क्रिप्ट लेके उही परफॉर्म करन आ गए, ये सच्ची हैपन हो रही हैं। जे टीचर्स की रिस्पैक्ट नूं नहीं समझा जा रहा तो नहीं समझा जा रहा, धमकियां तक मिल रही, ये मैं कल तुहाडी गल नहीं करता, ओवरऑल सारे स्कूलों च जाण दा सानूं मौका मिलता, पंजाब दा ऐसा कोई शहर नहीं होना जिते असी नाटक नहीं किते। एक गल कॉमन सुनने को मिलती है, जिहड़ा तुसीं लेडी वाला पोर्शन किया ना अपने नाटक च, ये इंसीडेंट साडे स्कूल च सच्ची होया, 10 दिन पहला 15 दिन पहला या महीना पहला कभी कभी भी होया, ये गल कॉमन सुनने को मिली है सानू। ये क्यों हो रहा सारा कुछ, क्योंकि अजकल स्टूडेंट्स के बीच ना हीरोइज़म जाना बड़ा वध गया, गाने गुने ही इदां दे आ रहे जिन्हां नू सुन के हीरो जी बन जांदे ना, किसी की गल सुन के राजी नहीं। गाने से सानू 3-4 चीज़ां परोसिया जांदियां, नशा, बदमाशी, आवारागर्दी या हथियार, इस तों इलावा गाने होर कोई गल नहीं करदे। मैं लाइव एग्जाम्पल दिना तुहाडी, असी इत्थे एक गाणा बोलिया सी, धर्मेंद्र ने वैसे बोलते होंगे वो फ्लो फ्लो जो मूँह चो निकल गया होना भी 16वें टप्पया 17वें टप्पया, तुसी नाल दी नाल ही कहता भी 18वें च मुंडा बदनाम हो गया। हुण तुसी आप दसो बदनामी चंगे काम दी हुंदी है माड़े दी, फिर किहदा मां प्यो चाहुंदा साडा पोते या साडी धी 18वें च जाके बदनाम हो जाए, चाहुंदा किसी का? ये तुहानू आई कहिंदे 16वें टप्पया 17वें टप्पया 18वें च मुंडा बदनाम हो जाता, पर इस किसी ने सिंगर ने यह नहीं कहा भी 16वें भी टप्पया 17वें भी टप्पया 18वें भी टप्पया 19वें च जाके करतार सिंह सराभा देश लई कुर्बान हो गया सी, शहीद हो गया, किसी ने नहीं कहा। करतार सिंह सराभे बारे पता ना तुहानू सारे नू, यस और नो? यस। 19.5 सालों का सीगा वो, है ना, 19.5 सालों की एज की होंगी है जो शहीद होया देश लई, तो ये चीज़ा किसी ने नहीं दसियां, क्यों? क्योंकि वह चाहते नहीं आ भी कोई पढ़ जाए या बुक्स नाल जुड़ जाए, वो चाहते ने जोड़ा कोई माड़ा मोटा काम कार जो करते जिसे पेरेंट्स वो उस काम तक सीमित रह जाए पढ़ ना जाए, क्योंकि जे कुछ पढ़ गए जे कुछ बन गए तो अपने हक मंगने स्टार्ट कर देंगे, अपने हक लई लड़ना स्टार्ट कर देंगे। टीचर्स जोड़े होंगे ना वो समाज का बेस होंगे, कोई भी डॉक्टर बनता इंजीनियर बनता फौज भर्ती हों पुलिस भर्ती हों चाहे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं बनता ना, एक बार टीचर्स को पढ़ के फिर वो किसी मुकाम पर पहुँचता सीधा कोई नहीं पहुँचता। जो अज असी थोड़े सामने एक्टिंग की है ना नाटक किया तो है ना सोचा भी ये करोट क्यों ही सीख के आ गए, ये भी असं अपने टीचर्स को सीखी है, स्कूल टाइम तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की, कॉलेज गए यूथ फेस्टिवल किया उसे जाके पता लगे भी ये भी एक स्टडी होंगी है जी करके अभी थोड़े सामने आए हैं, नहीं तो स्टार्टिंग दौर तो सब तो ही इदा होंगे भी इतने बोलने तो बड़ी दूर की गल आ, खड़े होने तक तो कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, लत्तां कंबल लग जा कंबदियां ना, पर वो कॉन्फिडेंस किने दिता सानू सर, रिस्पैक्ट योर टीचर्स, इन गल कहना है लास्ट से बेनती करता, साड़ी टीम का नाम है रेड आर्ट्स पंजाब, की नाम है वो तुम फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम से सर्च कर लियो, तुम्हें पता लग जाएगा अं कौन आ कितों आए हैं की करी आने सा मकसद की है, ये काम करने सानू किसी ने कहा नहीं, असी टीम के सिर्फ 3 जने नहीं, साड़ी टीम के 35-40 मुंडे कुड़ियां जिहड़े अलग अलग शहरों के जाके नाटक करते हैं, और ये काम करने के लिए सानू किसी ने कहा नहीं है, ना ही साडा कोई स्पोंसर है और ना ही असी किसी को फंड लैने कंपोजन करके भी भाई सानू इन्ने पैसे दो फिर असी तुहाडे स्कूल च पिंड च या कॉलेज च नाटक करना आवेंगे, इदां दा कुछ नहीं हैगा, असी अपने तौर पर ही लगे हुए हैं पिछले 6-7 साल तो। एक ना भाई मन्ना सिंह जी होंगे भाई गुरशरण जी, टीचर्स उन्होंने भाई पता होगा, वो उदो नाटक करते होंगे जो टीवी नहीं होंगे, मीडिया का दौर नहीं होंगे या मोबाइल नहीं होंगे हाथों के, तो एक गल कहते होंगे भी जे तुम लोगों कोई चंगा काम करते हो ना अपनी कला के जरिए जोड़े चंगे लोग होंगे वो तुम्हें दुगना तिगना करके मोड़ते भी है, ठीक है, सो उन्होंने विधा अगे तोरते हुए असी किसी कंपलशन नहीं करते, पर लास्ट से बेनती करते इतने एक डफली रख लगी, क्योंकि पूंजीवादी दौर है पैसे की लड़ पैंती है, एक थान तो दूजी थान जाना अमृतसर इतने आए इतों पता नहीं कितने कितने चले जाना, हो सके जिन्होंने लगता है कि साडा नाटक वधिया सी अगे स्कूल तक जाना चाहिए कॉलेज तक जाना चाहिए तो इतने डफली रखी आ, हो सके तो सारे स्टूडेंट सारे टीचर्स अपने अपने वालों साडा फाइनैंशियली हेल्प जरूर कर दौ पैसे के रूप से ताकि साडा सफर जिहड़ा वो जारी रहे, असी रुक जाना, बाकी तुसीं सानूं समां दित्ता उस लई सारे स्टूडेंट का सारे टीचर्स का और प्रिंसीपल साहब का थैंक यू सो मच सारे नूं, थैंक यू। इंजॉय किया जे इंजॉय किया तो ताड़िया ताड़िया बस।
इन्ना वधिया पेशकारी सी कि असी उन्हां दे करैक्टर दे विच खुप गए सी। जिहो जिहा वो करैक्टर पेश करते सी सानू उहो जिहा ही लगदा सी। सर सलाम आ जी तुहाडी एक्टिंग नू, जोरदार ताड़ियां एक बार फिर तां उन्हां नू। देखो कितों किथे पहुंचे आ, तुहानू सेध दित्ती आ। अज दे समें दे विच बहुत घट लोग अजिहे मिलदे आ जिहड़े स्कूलां 'च जा के अपना समां, देखो अजकल समां किसे कोल भी है नहीं, कोई भी आ बच्चा, चाहे बच्चा चाहे स्टूडेंट आ चाहे पेरेंट्स आ चाहे कोई प्रोफेसनल आ, समा कढ़ना पैंदा आ। ते इस करके जिवें उन्होंने सानू गाइड किया आ, असी इस चीज़ नू अपनी लाइफ दे विच इंप्लीमेंट भी करना आ, अपनाउणा भी आ। क्योंकि जे असी माँ पे दा पेरेंट्स दा टीचर दा सत्कार नहीं ना कर सकते तां रब दा भी सत्कार नहीं आ। इस करके दिलों इन्हां दा सत्कार करना रिस्पैक्ट करनी बहुत जरूरी आ। कई बच्चे मत्था भी टेकते टीचर्स नू, कई बच्चे नहीं भी विश करते, ये थोड़ा कि वह विश नहीं करते कि वह रिस्पैक्ट नहीं करते, बट जिहड़े टीचर तुहानू पढ़ा के भी चल गए आ जां जिहड़े टीचर तो तुसीं हुण नहीं पढ़ रहे नैक्सट क्लास च हो गए, हर एक टीचर नू विश जरूर करिया करो। आशीर्वाद ब्लैसिंग तुहानू मिलदियां, माँ पे दा भी आउण वेले जाण वेले जरूर रिस्पैक्ट करिया करो। असीं सिर्फ उदों ही बुलाउने जदों सानू लोड़ हुंदी आ कुछ चीज़ लैणी आ। इस करके बहुत बहुत थैंक्स है जी इन्हां दा, एड्डी दूरों पहुँचे आ, असी इन्हां दा माण सत्कार भी करना रल मिल के, ठीक है। जिवें जो किसी की खुशी आ तुसी रल मिल के इन्हां दा सहयोग भी करना आ ते सेध भी लैनी आ इस नाटक तो। ते एक बार फिर तो जोरदार ताड़ियां इन्हां लई, प्रिंसीपल सर वालों, साडे रिस्पैक्टेड टीचर्स वालों साडा विशेष तौर पर थैंक्स है जी, धन्यवाद आ। परमात्मा तुहानू चढ़दी कला च रखे, आने वाले समय के भी इस तरह आप जो कोई ना कोई इदा दिखाते रहेंगे, नुक्कड़ नाटक फिर भी पेश करवावे इन्हों तो, कहेंगे कि कई होर टॉपिक लैके भी जो विद्यार्थियों सेध दी जा सके वो तुहानू दिखाया जाऊगा। हाँ जी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स, जो इतना टाइम निकाल के हमारे बीच में ये पर्सनैलिटीज़ आई हैं और इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इनका टॉपिक इतना अच्छा था, डिमांड ऑफ द डे कह सकते हैं कि जो आज की डिमांड है। मैं वैसे जिन क्लासेज में जाती हूँ उनको तो समझ आ रही होगी आज मेरी बातें, जो मैं उनको अक्सर बोलती हूँ वही सेम बातें यहाँ पर रिपीट हुई हैं। लेकिन जिन क्लासेज में मैं नहीं जाती, इतना जरूर बेटा अपने माइंड में रखो, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अगर आप अपने आप को छोटा मानते ही नहीं हो तो टीचर से एनर्जी आपकी तरफ कभी आएगी नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हो, आप उसको बड़ा मानते हो, ओनली देन यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर। तो कुछ भी सीखने के लिए सामने वाले को बड़ा और अपने आप को छोटा जरूर समझो, तभी आप कुछ गेन कर सकते हो।